वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल दिवशेष में। एज यू नो टुडे इज संडे, सो कुछ हटके किया जाए नॉर्मल रूटीन से, तो वही मैं आज करने की कोशिश करूंगा। ना आज मेरे पिटारे में क्या है, किस कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं लेके आया हूँ वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, मगर ये पहले ही बता दूं मैं आपको कि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अलग अलग कंपनियों के हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट हेड ऑन। ना आज जो मैं रेजर यूज करने वाला हूं, अगेन इट इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ पार्कर, पार्कर फैमिली का रेजर 26C, ब्यूटिफुल एक्सलेंट फिट एंड फिनिश एज यूजुअल विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पार्कर। ना इसका जो वेट है वो 100 ग्राम के लगभग है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम। ऊपर का टॉप और टॉप के एग्जैक्ट नीचे ये जो है स्टेनलेस स्टील का बना है, एंड दिस इज ऑल्सो जो बॉटम है ये भी स्टेनलेस स्टील का बना है। और कंपनी के मुताबिक जो स्टेम है, जो ये ब्लैक पोर्शन है, ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का है। इसके ऊपर इन्होंने ऑक्सीडाइज कुछ करके एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का बनाया है और इसमें एक बेहतरीन नर्लिंग है। सो डेफिनेटली शेप करते समय इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। इसमें ऑलरेडी मैंने ब्लेड लोड करके रखा है पाकर, जिसको आज मैं थर्ड टाइम यूज करूंगा। नाउ आप देख सकते हैं ये ओपन कोम रेजर है। नाउ ओपन कोम रेजर के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं क्लोज कोम रेजर के कंपैरिजन में, और ओपन कोम रेजर उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी स्टबल थोड़ी हार्ड होती है या काफी दिन पुरानी होती है, 3 से 4 दिन। तो एट दैट टाइम यू मे फील कंफर्टेबल व्हाइल शेविंग यूजिंग दिस काइंड ऑफ रेजर्स। नाउ कुछ समय पहले मैंने अपने व्लॉग नंबर 9 या नंबर 8 में पार्कर 91R के बारे में बताया था, उसके बारे में कुछ अपने रिव्यूज दिए थे, विच वॉज क्लोज कोम रेजर। दिस इज 91R एंड दिस इज 26C। तो आप देख सकते हैं इट इज क्लोज कोम। तो हाउ इज माई शेविंग एक्सपीरियंस, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बट अगेन परफेक्ट गुड क्वालिटी गुड फिनिश रेजर। नाउ ब्लेड हैंग जो है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मगर यस वन कैन फील। और जो ब्लेड गैप है वो भी मेरे को काफी कम दिख रहा है। अब ओपन कोम रेजर जो होते हैं, क्योंकि इनका स्किन के साथ एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो ये जो हार्ड टफ स्टबल जो होते हैं उसको आसानी से साफ करते हैं। सो दिस इज 26C पाकर। फॉर प्री शेव आई एम यूजिंग दिस ऑयल, दिस फ्रॉम अगेन एन इंडियन कंपनी, ये भी एक भारतीय कंपनी, स्प्रूस शेव क्लब का ऑयल है, प्री शेव ऑयल है, जो कि आर्गन और टी ट्री ऑयल से बना है। तो आई एम यूजिंग दिस आज की शेविंग क्रीम। यस दिस इज नॉट शेविंग सोप, दिस इज शेविंग क्रीम फ्रॉम द हाउस ऑफ हॉकिंस एंड ब्रिम्बल। ना ये एक बड़ी नई ब्रिटिश कंपनी है, वेबसाइट पे मैंने देखा तो 2016 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी और अब शेविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी काम कर रही है ये भी। तो हॉकिंस एंड ब्रिम्बल शेविंग क्रीम एक बड़े छोटे से पैक में आती है, जो आप आसानी से अपने ट्रैवलिंग किट में रख सकते हो। और इसमें जो हर्ब्स यूज किए हैं इनके हिसाब से कोकोनट एसिड इन्होंने यूज किया है, उसी के साथ जिनसेंग एंड एलेमी। जिनसेंग के बारे में मेरे को पता है कि अक्सर कुछ हर्बल मेडिसिंस में यूज होता है, इट इज यूज टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑल्सो, बट एलेमी क्या है आई डोंट नो अबाउट मच। लेट मी शो यू द टेक्सचर। सो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका, आपको लगेगा जैसे कोई कोल्ड क्रीम आप यूज कर रहे होगे, मगर क्योंकि अभी आजकल टेम्परेचर ज्यादा है तो ये थोड़ी सी मॉल्टन स्टेज में है। अरोमा इज माइंड बॉगलिंग, और मेरे को इस तरह के अरोमा बहुत पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत ही लाइट अरोमा है इसका।
एक्सेलेंट अरोमा, वेरी लाइट, वेरी सटल, वेरी जेंटल, हल्के से फ्लोरल और सिट्रसी स्मेल है इस क्रीम की. सो लेट अस सी. तो आज मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करूंगा, आई विल बी यूजिंग माय शेविंग बोल एंड ऑफ कोर्स पोस्ट शेव आई विल बी यूजिंग आफ्टर शेव टुडे. नाउ दिस आफ्टर शेव इज ऑफ द मैन कंपनी, ये भी एक भारतीय कंपनी है और हाल ही में ये आफ्टर शेव जो है मेरी वाइफ ने, मेरी धर्मपत्नी नितिका ने मेरे को ये गिफ्ट किया. एक्चुअली जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है उसकी लिस्ट में पहले इनको साल भर पहले दे देता हूँ एंड मोस्टली दे आर ऑल शेविंग प्रोडक्ट्स. सो थैंक्स नितिका फॉर गिफ्टिंग मी दिस वंडरफुल आफ्टर शेव. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट प्लीज शेविंग. दिस माई शेविंग बोल. बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मैंने कहां से मंगाया है. ये बहुत पुराने हमारे घर में सूप बोल्स रखे थे, उसमें से एक को उठा के मैंने इसको एज अपने शेविंग रेजिमेन में यूज किया और बड़े बेहतरीन रिजल्ट दिए इसने भी. तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे सिरेमिक बोल्स आप या कप्स आप बाजार से खरीदें, आप घर में भी इस तरह के बोल्स को यूज कर सकते हैं और कोई भी आपके शेविंग टेन में आएगा तो डेफिनेटली बड़ा इंप्रेस हो जाएगा. इट्स डर्ट चीप प्राइस. ओके एंड ब्रश में आज की ट्राइगोडोन का यूज कर रहा हूं. थोड़ी सी क्रीम स्क्वीज आउट एक्स्ट्रा वाटर. Let's start whipping the creamy lather. और तुरंत इस क्रीम ने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया. कि इन्वेस्टमेंट इन अ गुड शेविंग ब्रश इज मस्ट. हाँ, बहुत महंगे आपको ब्रश लेने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप एक अच्छा शेविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, स्पेशली संडे को जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरी सलाह है कि एक अच्छा ब्रश जरूर लीजिए. उससे रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं कंपेरेटिवल टू द चीपर वंस, बट स्टिल इट ऑल यू हैव टू डिसाइड. सो यू कैन सी लादर है बोल से अब बाहर निकल के आ रहा है और बहुत थोड़ी सी क्रीम मैंने यूज की थी. नाउ शेविंग की दुनिया में लोगों के विचार अलग अलग रहते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि शेविंग सोप अच्छे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि शेविंग क्रीम्स अच्छी हैं, लादर तो दोनों से ही होता है. तो इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन जरूर मैं अपने आने वाले वीडियो में रखूंगा जल्दी, उसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेविंग के सोप के साथ और क्रीम के साथ यूज करूंगा, क्योंकि क्रीम में भी अलग अलग वैरायटी हो जाती है. कुछ क्रीम्स जो है वो हर्बल या नेचुरल ऑयल से बनाते हैं और कुछ जो होते हैं वो केमिकल सिंथेटिक चीज़ें यूज करते हैं. तो जरा देखेंगे क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं और किस तरह के एक्सपीरियंसेस वो आपको देती हैं. बट आज जो मैं आपको क्रीम यूज कर रहा हूँ इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी अभी तक मेरे को लगी है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय व्यूज टुडे. सो यू कैन सी बहुत ही अच्छा लादर विप हो गया है. आई एम रेडी टू शेव नाउ. लेट मी टक इन माय कॉलर.
spruce shaving club, argan and tea tree pre-shave oil. बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपको, 5-6 ड्रॉप्स काफ़ी हैं, मोर देन इनफ. और अच्छे से इसको स्मेयर कर लीजिए अपने शेविंग एरिया पे, स्पेशली जो आपके टफ स्पॉट्स होते हैं. इसकी स्मेल मेरे को बचपन में जब वो दाई आती थी ना मालिश करने बच्चे की, तो मेरे को कुछ इस तरह की नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रही है. बड़ी अलग तरह की स्मेल है इसकी, इट्स नॉट परफ्यूम्ड बट स्टिल आई एम लाइकिंग इट. सो मैंने प्री शेव ऑयल अप्लाई कर दिया है. लेट मी कम स्ट्रेट टू द लादर हॉकिंस एंड ब्रिम्बल शेव क्रीम. कोशिश कीजिए शेव करने से पहले आप किसी हॉट वाटर टॉवल से अपने चेहरे को डैप कर दीजिए, उससे आपके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और रेजर ग्लाइड में काफी हेल्प मिलेगी आपको. अभी मेरे को ऐसे ऐसे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आई एम नॉट मेकिंग लादर, क्योंकि लादर हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन दिस बोल. ऑल आई हैव टू डू इज do painting strokes. हमेशा याद रखिएगा प्री शेव ऑयल अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मत लगा लीजिए, इतना मत पोत लीजिए कि आपको फिर लादर में बनाने में दिक्कत हो. मगर यहाँ पे मेरे को ऐसा सच कोई लादा बनाने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लादा बना के रखा था और उसको सिर्फ अप्लाई किया डायरेक्ट. सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस टुडे विद दिस 26C पाकर. मैं यहाँ पे जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी ओपन कोम के साथ, तो मेरे को अपना एंगल थोड़ा सा चेंज करना पड़ा. मैंने आपको पहले बताया था 30-35 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है क्लोज कोम के साथ, मगर अब आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टिल्ट किया है इसको. यस, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ रहा है, मे बी अराउंड 50-60 डिग्री. और उसके बाद रेजर ने अपना काम फर्स्ट क्लास शुरू कर दिया. शुरू में जब मैंने ओपन कोम रेजर से शेविंग शुरू की तो मैंने बहुत गलतियां की थी. मेरी स्टेबल आधी अधूरी रह जाती थी. और बाद में जब मैंने कुछ और शेविंग वीडियोस और शेविंग ब्लॉग्स पढ़े तो मेरे को अपनी टैक्टिक को रिफाइन करने में काफी आसानी मिली. इसीलिए हम लोग आपको ये चैनल दिखा रहे हैं, इस तरह के वीडियोज दिखाते हैं ताकि आप वो गलतियां ना करें. तो नॉर्मली आपका ये एंगल और इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको टिल्ट करना पड़ेगा और फिर आप आराम से अपने रेजर को ब्लेंड कर सकते हैं. अभी रेजर ब्लेंड करते समय मेरे को ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं लग रहा है. नॉर्मली ओपन कॉम ज्यादा अग्रेसिव माना जाते हैं, मगर मेरे को ऐसी फील बिल्कुल नहीं आ रही है. वेट बैलेंस इस रेजर का हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा है. रेजर इज ग्लाइडिंग लाइक बटर स्मूथ.
देखिए एक चीज याद रखिएगा, शेविंग के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है कि एनी एक्स्ट्रा एफर्ट विल लूज द पर्पस। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ना आपको ज्यादा प्रेशर लगाना है, ना बहुत ज्यादा आपको प्री शेव ऑयल लगाना है, और ना ही आपको बहुत ही ज्यादा लादा बनाना है। एवरीथिंग इन परफेक्ट बैलेंस एंड हार्मनी। एज यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। लाजवाब भाई, क्या कहूं। डी शेप में आप अगर थोड़ा सनकीपना रखते हैं मेरी तरह, और वो सनक बड़ी जरूरी भी होती है, क्योंकि शेविंग को आप एक रेजिमेन या एक शेड्यूल नहीं मानते, एक पैशन मानने लगते हो, तो आप अलग अलग चीजों को कलेक्ट करने लगते हो, अलग अलग शेविंग सोप्स, क्रीम्स, और इवन आपके रेजर, और हर दिन आपका एक नया दिन हो जाता है शेविंग एक्सपीरियंस के मामले में, और यही आपको एक्साइटमेंट भी देता है। तो जितना एक्सपेरिमेंट आप वेट शेविंग में कर सकते हो, वो ड्राई शेविंग में नहीं कर सकते, एक फैक्ट है। चलिए लेट्स कम टू द सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। लेट मी क्लियर माय साइड बर्न्स एज यूजुअल। ग्रिप वाकई में बहुत अच्छी है, सोप लगा भी हो तो भी हैंडल फिसल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द नर्लिंग। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा है, सर आपके स्ट्रोक्स तो बहुत ही ज्यादा फास्ट चलते हैं। आई एग्री, मैं थोड़ा सा फास्ट शेव करता हूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसे ही करें। स्पेशली अगर आप शुरुआती दौर में हैं वेट शेविंग के, आराम आराम से करिए। थोड़ा मेरा फास्ट चलने का रीजन एक ये भी है कि अर्ली मॉर्निंग मेरे लेक्चर्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे तो मैं लेक्चरिंग शुरू करता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है मैं थोड़ा सा जल्दी स्ट्रोक्स चलाता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको फॉलो करें। स्मॉल जेंटल स्ट्रोक्स आर ऑलवेज बेटर। Let me have the feel. As usual, third pass की जरूरत नहीं लग रही है, मगर मैं आज करूंगा क्योंकि एक पूरी संतुष्टि मिले आज की शेप में, और ये 2 दिन पुरानी बियर्ड थी मेरी। So, shaving cream is very slick. हल्का हल्का सा स्लिकनेस मेरे को लग रहा है। Excellent product. नई कंपनी है ये, Hawkins & Brimble, और इसीलिए बहुत नाम भी नहीं मैंने सुना था, मगर फ्लिपकार्ट में मिल रही थी अच्छी डील तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। Against the grain, third pass. आराम आराम से अपने स्ट्रोक्स को चलाइए without giving any extra pressure.
थर्ड यूज है ब्रेड का, बट इट इज स्टिल वर्किंग एफर्टलेसली. दैट्स द क्वालिटी ऑफ पाको. कुछ मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है. बहुत ही शानदार शेविंग एक्सपीरियंस रहा इस क्रीम और इस रेजर के साथ. 26C पाको थोरली सेटिस्फाइड. कोई भी बर्न नहीं, कोई भी जलन नहीं हो रही और मेरे को लगता नहीं कि मेरे को आज कोई एलम यूज करने की जरूरत है. तो मैं डायरेक्ट आज स्ट्रेट आफ्टर शेव की तरफ आऊंगा. मैन कंपनीज आफ्टर शेव. ना इसके जो नोट्स हैं ये सिट्रसी हैं, हल्के सी नींबू, हल्के सी ऑरेंज, कुछ इस तरह की परफ्यूम मेरे को आ रही है. अब इसमें एक एटोमाइजर दिया है तो मैं डायरेक्ट इसको ओ हल्का सा कूलिंग एहसास हो रहा है अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेंथल भी इन्होंने शेड डाला है. सो परफेक्ट शेव. तो आज के लिए इतना काफी. लेट मी अगेन टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट्स विच आई हैव यूज्ड टुडे. प्री शेव ऑयल, स्प्रूस आर्गन, स्प्रूस शेविंग क्लब, स्प्रूस शेव क्लब, आर्गन एंड टी ट्री ऑयल, शेविंग क्रीम. आप लेना चाहें तो बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं. इसका जो परचेजिंग के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिख दूंगा आपको. The Hawkins and Brimble wonderful shaving cream. Parker 26C fantastic razor. In fact, मेरे को जो experience इसके साथ ऐसा रहा कि ये मेरे को 91R साथ अगर compare करे तो मेरे को ये बिल्कुल mild ही लगा. It's mild, medium, mild aggressive. It's not at all aggressive. But the shaving experience is butter smooth, BBS shave. Fantastic razor. Definitely, if you want to try, you can give it a try. Shaving brush, Trigodon. So that is what I have used today. I hope you have enjoyed today's shaving with me. So try it, enjoy it, your shaving. So today is Sunday. Enjoy the time with your family. Correct. Become a gentleman, which you are already. तो मैंने पहले भी कहा था और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप इस तरह की शेविंग एक्सपीरियंस से निकलते हो तो सडनली आपके अंदर एक अच्छा जो है एक जेंटलमैन आ जाता है. वो दो तरह के होते हैं, एक ईवल और एक गुड. सो कुछ वो थोड़ी टाइम के लिए आपके माइंड में समथिंग गुड हैपन्स एंड यू बिकम लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो दैट इज अ काइंड ऑफ यू नो एक्सपीरियंसिस यू कैन गेन फ्रॉम योर शेविंग विद डिफरेंट इक्विपमेंट्स. मैं शेविंग के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी के कहने पे मत जाइए, प्रैक्टिस आप अच्छी करिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए ये चीज याद रखिएगा, जिस चीज पे आप फोकस करते हो उसी चीज के लाइफ में वही चीज ग्रो करने लगती है. मैंने अपने मोटिवेशन की बुक्स में ही पढ़ा है और मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, जिन चीजों पे हम फोकस करते हैं वो चीज सडनली अपने आप को वो अट्रैक्ट होने लगती है. तो अगर आप बार बार क्रिटिसाइज करोगे कि यार पुरानी शेविंग अच्छी थी, नहीं, नया चीज है, थोड़ा टाइम लेगा, इट ऑलवेज यू नो यू ऑलवेज रिक्वायर सम टाइम. अगर आप कम टाइम में अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने का वंडरफुल, और अगर नहीं मिल रहा है, अभी भी कई लोग मेरे को कहते हैं कि सर नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे छोटे छोटे कट रहते हैं, तो डोंट लूज हार्ट भाई. इट ऑलवेज लाइक दिस. कोई भी चीज आप पहली बार नहीं सीखते. आपने कोई कार चलाना एकदम से नहीं शुरू कर दिया होगा, शुरू में आपने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया होगा, गियर डाला होगा, बड़ा आपको थोड़ा एप्रिहेंशन रहते हैं कि कहीं किसी को हम टक्कर ना मार दें. सिमिलरली विद द साइकिलिंग एक्सपीरियंस, मोबाइक, कोई भी चीज को आपको सीखने में टाइम लगा, तो शेविंग
जो है वेट शेविंग जो है वो भी एक ऐसी चीज है, और यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या है, आप ब्लेड अपने स्किन के कॉन्टेक्ट में लाते हो, तो थोड़ा सहजता से परसिस्टेंस से आप करोगे तो मजा आएगा। सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे टूडे। एंजॉय योर सेल्फ, लिव विद पैशन, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, लिव विद पैशन।